हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार पैक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज हमारे साथ है मारुति की लेटेस्ट लॉन्च फ्रॉन्क्स। अब इस कार को देख के यार मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है कि मारुति ने क्या अपना ही कंपटीशन बढ़ा दिया है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मारुति इस कार को लॉन्च करने वाला है समवेयर इन बिटवीन बलेनो एंड ब्रेजा। एंड ये जो कार है ये बलेनो के प्लेटफॉर्म पे ही बनी है। एंड विदाउट एनी सेकंड थॉट, अगर मुझे कार लेनी हो और मेरे पास चॉइस हो बलेनो और इसमें, मैं इसी कार को जाऊंगा बिकॉज ये कार बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही है गाइस। एंड जो आजकल ट्रेंड चल रहा है SUVs का एंड क्रॉसओवर्स कार्स का, मारुति ने उसी ट्रेंड को देखते हुए इस कार को लॉन्च किया है। गाइस, बात की जाए इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो ये कार आपको दो इंजन ऑप्शंस में मिलती है। एक है 1.2 लीटर का इंजन जो कि बलेनो में आता है, एंड एक है 1 लीटर का टर्बो जेट इंजन जो कि आपको बलेनो RS में देखने को मिलता था। एंड जो इसका 1.2 लीटर का इंजन है वो आपको 90 PS की पावर और 130 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। एंड वही बात की जाए इसके 1 लीटर के टर्बोजेट इंजन की, तो ये आपको 100 PS की पावर और 147 Nm का टॉर्क देता है। तो जो इसका टर्बो इंजन है वो उसका एक और बेनिफिट है कि वो कम RPM में आपको ज़्यादा पावर देता है, तो जिससे आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड बात करें अगर यार इसकी डायमेंशन की, तो इस कार की लेंथ है 3995 mm, वहीं इसकी विड्थ है 1765 mm, जो कि पुरानी बलेनो से कहीं ज़्यादा लंबी और चौड़ी है। वहीं बात की जाए इसकी हाइट की, तो इसमें 1150 की mm की हाइट मिल रही है जो बलेनो से ज़्यादा है। वहीं इसके व्हील बेस की बात करूँ तो इसमें 2520 mm का व्हील बेस मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है गाइस। वहीं बात करें कार के फ्रंट डिज़ाइन की, तो जो SX4 का इंटरनेशनल वेरिएंट आता है उसी से इंस्पायर्ड लग रहा है। एंड यहीं पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलेगा। वहीं आपको LED DRL एंड 3 LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा इस कार में। वहीं बात की जाए इसके व्हील साइज की, तो इसमें आपको 195/60 R16 के टायर्स देखने को मिलेंगे। वहीं बात की जाए इसके बूट की, तो इसमें आपको 308 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा जो काफ़ी सफिशिएंट है। कार बैक प्रोफाइल से भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। अब इस कार में आपको कनेक्टिंग टेल लाइट देखने को मिलेगी जो इसकी कार के लुक को और ज़्यादा बढ़ा रहा है यार। कार के इंटीरियर्स में आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ये पुराने बलेनो जैसे ही इसके इंटीरियर रखे गए हैं। और इसमें आपको ड्यूल टोन में इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा इस कार में। कार के डोर्स पे भी सॉफ्ट टच फैब्रिक का यूज़ किया गया है जो देखने में काफ़ी प्रीमियम और क्लासी लग रहा है। बेसिकली इसका इंटीरियर बलेनो इंस्पायर्ड ही है, तो आपको इसके इंटीरियर में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। आपको ये इसका इंटीरियर कहीं ना कहीं बलेनो की याद दिलाएगा। इस कार में आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, हेडसअप डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि मारुति आजकल अपनी सभी कारों में दे रही है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। वहीं ड्राइवर साइड में आपको इसके ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 डिग्री व्यू एंड ऑटो स्टार्ट स्टॉप के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं इस कार की प्राइसिंग की, तो वी आर एक्सपेक्टिंग ये कार की जो प्राइसिंग स्टार्ट होगी वो समवेयर इन बिटवीन 7.5 टू 8.5 की होगी। अब देखना है कि मारुति इसको किस प्राइस रेंज में लेके आती है। एंड गाइस, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपको बलेनो और इस कार में से चूज़ करने को मिले तो आप किस कार को चूज़ करना पसंद करोगे। मेरे अकॉर्डिंग तो ये कार एक बहुत ही ज़्यादा हॉट प्रोडक्ट होने वाला है मारुति की तरफ से। एंड इस कार की सेल्स मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा जाने वाली है। आपकी जो राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।